हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और एक प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। आज का वीडियो मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बनाने वाला हूं जिसकी जानकारी सबके सब चाहते हैं, लेकिन जब ये प्रॉब्लम किसी को होती है तो इसके बारे में डिस्कस करने से लोग शुरुआती स्टेज में हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं। जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर मजबूरन उनको डिस्कस करना पड़ता है। तो ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये हमारे शरीर के एक ऐसे ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम लोग टैबू समझते हैं या इसके बारे में बात करना ऐसा हमारे लिए शर्मिंदगी भरा हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, ये टॉपिक को मैं इस तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि एक साधारण व्यक्ति से लेकर एक फार्माकोलॉजिस्ट भी आराम से समझ सके, जानकारी को ना केवल समझ पाएगा बल्कि शेयर कर पाएगा। आज मैं बात करने वाला हूं यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन के बारे में, यानी कि आपके मूत्र मार्ग में होने वाले संक्रमण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग लगभग किसी न किसी को कभी न कभी परेशान कर चुकी होगी या फिर शायद परेशान कर रही है, तभी आप ये वीडियो को सर्च करते हुए इसके बारे में जानकारी लेने के लिए यहां तक आए हैं। यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन क्या है, कैसे होता है, किस कारण से होता है, किसको होने की संभावना ज्यादा होती है, इसका डायग्नोसिस कैसा है, इसका ट्रीटमेंट कैसा है और इससे बचा कैसे जा सकता है, सब कुछ जानकारी मैं आपको सरल भाषा में दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन यानी कि मूत्र मार्ग का संक्रमण होता क्या है, इसको पहले आप आसानी से सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन यानी कि एक ऐसा इंफेक्शन जो कि आपके यूरिनरी ट्रैक को अफेक्ट करता है। यूरिनरी ट्रैक कहने का मतलब होता है एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जो कि यूरिन के बनने, यूरिन के स्टोर होने और यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने के अलग अलग जो कंपोनेंट है, अलग अलग पार्ट है, इनको मिलाकर के बनाया जाता है। ट्रैक मतलब होता है रास्ता, एक पाथ, और इसमें बेसिक कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, इसमें आपका ऊपर से नीचे अगर आप आते जाओगे तो इसमें आपका किडनी इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें आपका यूरेटर इन्वॉल्व हो सकता है। यूरेटर मतलब एक पाइप जो कि किडनी से लेकर के आगे आगे आने वाले समय में आपके ब्लैडर तक पहुंचता है, और किडनी मतलब आपके वो बॉडी का पार्ट जो बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है, और एक्चुअली में यूरिन का फॉर्मेशन ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद यहीं पे होता है। तो सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बताया आपको, आपको बताया मैंने किडनी, इसके बाद यूरेटर यानी कि उसकी नलियां, उसके बाद ब्लैडर यानी कि एक ऐसा पार्ट जहां पे यूरिन बनने के बाद स्टोर होता है, तब तक जब तक कि प्रेशर अर्ग थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाता या जब तक हम उसको रिलीज नहीं कर लेते। आखिरी पार्ट बचता है हमारा यूरेथ्रा यानी कि छोटी सी नली जिसके थ्रू हम यूरिन को पास आउट करते हैं आपके ब्लैडर से। तो ये चार पार्ट मिलकर के आपके यूरिनरी ट्रैक को बनाते हैं। अब मैंने इसको ऊपर से नीचे बताया, अब एक बार थोड़ा सा इसको उल्टा ले लें क्योंकि दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जीने या मरने का सवाल इसी ट्रैक के पाथवे के सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है। नीचे से ऊपर की ओर अगर आप जाएंगे, यहां से यानी कि जहां से आप यूरिन पास करना स्टार्ट करते हैं, तो वह आपका यूरेथ्रा आएगा, फिर ऊपर जाएंगे तो आपका ब्लैडर आएगा, फिर यूरेटर आएगा और फाइनली आपका किडनी आएगा। यह सीक्वेंस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरिन ट्रैक इंफेक्शन को हम इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली दो मेन टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये टाइप जान लेने की सिचुएशन भी लेके आ सकती है। पहला टाइप होता है अपर ट्रैक यूरिनरी इंफेक्शन या अपर यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन बोल सकते हो, जैसा भी समझे। दूसरा होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन। अपर और लोअर यानी कि बीच का सेगमेंट इसको डिवाइड कर रहा है। अपर का मतलब होता है ऊपर वाला पार्ट और लोअर का मतलब होता है नीचे वाला पार्ट। तो इन चार पार्ट को अगर आप डिवाइड करोगे तो दो पार्ट ऊपर के अपर में आ जाएंगे और दो पार्ट नीचे के आ जाएंगे। यानी कि अगर आप अपर यूरिनरी ट्रैक के बारे में पूछोगे, जानना चाहोगे, तो उसमें अगर संक्रमण, अगर इंफेक्शन आपके किडनी तक पहुंच गया हो या आपके यूरेटर तक पहुंच गया हो तो ये अपर यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर इंफेक्शन यूरेथ्रा या तो ब्लैडर तक ही सीमित है तो ये लोअर यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन कहलाएगा। और आपको ये बता दूं कि अगर आप ये चीजें सोचना चाहते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बहुत डिफरेंस है। लोअर यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन थोड़ा सा कम सीरियस होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस यही आपको परेशान करता है, लेकिन अपर यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन जनरली कम होते हैं, बट अगर ये हो गया तो सीवीआरटी बहुत ज्यादा इसकी होती है। इसके ठीक होने के चांसेस थोड़े से कम होते होते जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीवीआरटी। और ये दो चीजें आपको ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली बताती हैं, जिसके वीडियो के डिटेल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि अपर यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन और लोअर यूरिनरी ट्रैक किसको किसको हो सकता है। आप ये सोचते होंगे कि ये यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन तो मुझे नहीं होगा, मैं आराम से रहता हूं, अच्छी खासी लाइफ जीता हूं, तो थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, ये चांसेस जरूर हो सकते हैं कि अगर लाइफस्टाइल हेल्दी है तो चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, बट किनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन छोटे बच्चों को नहीं छोड़ सकता, ये बड़ों को भी नहीं छोड़ सकता, ये बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ सकता। मतलब साफ है कि बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को भी
अफेक्ट कर सकता है, मेल फीमेल किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर आप संभावना देखोगे, अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे जेंडर के अकॉर्डिंगली, तो फीमेल में होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं अगर मैं इसको कंपेयर करूं मेल की तुलना में। क्यों ऐसा, वो भी समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जेंडर वाइज सीवियरिटी बता दिया कि फीमेल आर मोर ससेप्टेबल टू यूटीआई। यूटीआई का शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म होता है यूरिनरी इन्फेक्शन, जिसको जनरली यूटीआई के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। मेल को कम होता है। इसके बाद भी अगर आप बात करोगे एज के अकॉर्डिंगली, जेंडर के अकॉर्डिंग तो हो गया, तो एज की अगर आप बात करोगे तो बच्चों को ये ज्यादा होता है, थोड़ा सा बुजुर्गों को भी ज्यादा होता है, यंग में थोड़ा सा चांसेस कम होता है, लेकिन जीरो नहीं होता। ये हो गया आपके एज और जेंडर के अकॉर्डिंगली। अब एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अकॉर्डिंगली अगर आप बात करोगे, तो इन केस ऑफ फीमेल ये प्रेगनेंसी में ज्यादा अफेक्ट करते हैं, इन केस उन वुमन के जो कि अभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किए हुए हैं। तो ये बेसिक चांसेस हो गए। अब ये देखिए कि ये क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है। जब हम बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन की, तो यहां पे लास्ट वर्ड ये इंफेक्शन, ये बता रहा है कि इसमें किसी भी तरीके का बैक्टीरियल फंगल इंफेक्शन इन्वॉल्व हो चुका है। मोस्टली यहां पे बैक्टीरियल इंफेक्शन होते हैं, लेकिन कुछ हद तक फंगल के रिएक्शंस के कारण से भी ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, जो कि बाद में कन्वर्ट या रिप्लेस हो जाएगी बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये हो गया आपका बैक्टीरिया के द्वारा अगर ये इंफेक्शन कॉज हो रहा है तो ये यूटीआई में जा सकता है। बैक्टीरिया कहां से आते हैं, बैक्टीरिया कहीं से भी आ सकते हैं। मेन रीजन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में मैंने शुरू से कहा कि लोग डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, या उसको एक टैबू समझते हैं, या इसको छी जैसा सब्जेक्ट समझ के बात करना पसंद नहीं करते, जबकि आपको इसको ओपनली डिस्कस करना चाहिए। एज अ फार्मासिस्ट, एज अ फार्माकोलॉजिस्ट, एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, आपको भी अपने बच्चों के साथ ये डिटेल डिस्कस करनी चाहिए। सबसे पहला कॉज होता है पर्सनल हाइजीन का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है पर्सनल हाइजीन, कि आप अपने शरीर के साथ अपने बॉडी के डेडिकेटेड पार्ट को किस तरीके से हाइजीन कंडीशन में मेंटेन करते हो, या आपकी बॉडी के वेयर करने वाले गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स की हाइजीन कैसी है। अगर आप इंप्रॉपर गारमेंट का यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा टाइट गारमेंट यूज कर रहे हैं, जिसके कारण से स्वेटिंग एक्युमुलेशन होगा, वो स्टार्ट कर सकता है। अगर आप उसकी क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं करते हो, उसको डिटॉल या किसी दूसरे लिक्विड से डिसइंफेक्ट नहीं करते हो, तो वो चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम फीमेल के रेस्पेक्ट में बात करें, हालांकि ये जो सिचुएशन है, ये जो सर्कमस्टेंसेस है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता जा रहा है और बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद करता हूं कि दिन खत्म हो जाए। वो क्या है, यूजुअली अगर आप पहले के केस में देखोगे, अभी भी कुछ जगह है खत्म नहीं हुआ, तो ये है कि जब पीरियड्स की बात होती है, जब मेंस्ट्रुअल की बात होती है, तो वो कपड़ा यूज करते हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ा इंफेक्शन का कारण है। तो 90% अगर कोई इस तरीके के चीजों के लिए अनहाइजीनिक कपड़ों का यूज कर रहे हैं, तो उसको यूटीआई होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा, आप अपने बॉडी के डेडिकेट पार्ट की क्लीनिंग का कितना ख्याल रखते हो, ये भी बहुत जरूरी है, कि अगर आपने हाइजीन मेंटेन नहीं कर रखा, स्वेटिंग एक्यूमुलेट हो गया, लिक्विड एक्यूमुलेट हो गए, तो फिर ये प्रॉब्लम इनिशिएट हो सकती है। तीसरा आता है इम्प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकॉर्स। अगर एक पार्टनर को है, तो वो दूसरे पार्टनर तक ये डेफिनेटली कम्युनिकेट कर सकता है। ना केवल ये प्रॉब्लम, बल्कि और भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनके बारे में हम किसी और डिस्कस करेंगे वीडियो में, एसटीडी की प्रॉब्लम, ये उनको भी अफेक्ट कर सकती है। ये एक प्रॉब्लम हो गया। अगर मैं कहूं, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, कि मेल की तुलना में फीमेल को ये प्रॉब्लम ज्यादा इसीलिए होती है, क्योंकि ये एक तो मेंस्ट्रुअल फाइल्स हमको फेस नहीं करना पड़ता, ये फीमेल को ज्यादा फेस करना पड़ता है। थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा संकोच, थोड़ा सा शर्म फीमेल में एज कंपेयर टू मेल ज्यादा होता है, डिस्कस करने में थोड़ा हेजिटेट करती है, तो ये एक दूसरा कारण हो गया। तीसरा और मेन कारण है एनाटॉमिकल रीजन, यानी कि शारीरिक संरचना। अगर आप देखोगे डिस्टेंस बिटवीन एनस, गुदा द्वार से लेकर के उनके वजाइनल पार्ट तक, यूरेथ्रा के पार्ट तक, तो डिस्टेंस बहुत कम होता है, और इसी कारण से जो बैक्टीरिया है, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो जो हमारे पेट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है, ईकोली है, वो रेक्टल रूट से जब एक्सक्रीट होते हैं, तो क्लीनिंग के प्रोसेस के समय ये बैक्टीरिया इजीली डिस्टेंस कम होने की वजह से यूरेथ्रल पार्ट तक आ जाते हैं। ये एक मेन कारण हो गया। दूसरा मेन कारण है डिस्टेंस ऑफ यूरेथ्रा फ्रॉम द ब्लैडर। यूरेथ्रा का जो डिस्टेंस है फीमेल में, वो ब्लैडर के साथ बहुत कम होता है, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से इनका मूवमेंट बहुत अच्छा से हो जाता है, और ये फिर आपके ब्लैडर को अफेक्ट करते हैं। अगर सिचुएशन बढ़ती गई, खराब होती गई, ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं लिया गया, तो ये जो इंफेक्शन कॉज करने वाले एजेंट है, वो ब्लैडर से धीरे धीरे मूव करते हुए आपके यूरेटर, यूरेटर से फिर आपके किडनी तक पहुंचते हैं, जिसको मैंने शुरू में नाम दिया था अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, फिर ये प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी। तो बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब ये देख लो कि कारण तो समझ में आ गया, सिचुएशन समझ में आ गया, अब ये देख लेते हैं कि सिम्टम क्या क्या हैं, हमें पता कैसे चलेगा। अब यहां पे थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है।
क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक नजर नहीं आएंगे, मतलब एकदम से पहचान जाए कि हाँ ये सिम्टम है तो ये प्रॉब्लम है, वो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यही सिम्टम कुछ और केसेस में भी देखने को मिल सकते हैं, और जनरली जब ये एक सिम्टम पहचानने लायक निकल करके आता है तब तक काफी देर हो जाती है। चलिए बात करते हैं सिम्टम्स की, बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है जिनका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको फीवर आना शुरू हो जाएगा, चिल करना शुरू हो जाएगा, ठंड लगेगी, कपकपी लगेगा, बुखार आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको यूरिनेट करना है, मतलब आपको यूरिन करने जाना है, ऐसा फील होगा, आपको प्रेशर आ रहा है ऐसा फील होगा। बट जब आप यूरिनेट करने के लिए जाएंगे तो हार्डली 2-3 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन पास होगा, यूरिन की मात्रा जो वल्क वॉल्यूम होना चाहिए था वैसा नहीं होगा। तो ये दूसरा सिम्टम हो गया। तीसरा, जब कभी भी आप यूरिनेट करोगे, यूरिन पास करते रहोगे, तब आपको बहुत तेज जलन का एहसास होगा, ऐसा लगेगा कि कोई हाईली एसिडिक सब्सटेंस पास हो रहा है और वो तेज जलन असहनीय होता है, जो कि आपको बहुत पेन होगा। तीसरा, आपके पेल्विक एरिया में आपको पेन होगा, पेल्विक एरिया का पेन बहुत असहनीय होता है, ये पेन आपको फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद जो मैंने कहा कि जब यूरिन हम पास करते रहेंगे तो यूरिन का जो एक अपीयरेंस है, इन जनरल अगर नॉर्मल की बात करें तो यूरिन हल्का सा येलोइश हो सकता है या फिर ट्रांसपेरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वाटर यू हैव कंज्यूम्ड, उसके अकॉर्डिंगली या तो स्लाइटली येलोइश या तो ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन ऐसे केस में ये धुंधला हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा, मतलब ऐसे रखें कि एक ग्लास पानी में 5-6 चम्मच तक दूध डाल दिया है तो वो धुंधला होने लग गया हो, ऐसा आपको लगने लगेगा। ये सिचुएशन आपको क्रिटिकल कंडीशन की ओर धीरे धीरे लेके जा रही है, और बुखार जैसे मैंने कहा रुक के आएगा, रुक के जाएगा, ऐसा आना जाना चलते रहेगा। अगर सिचुएशन थोड़ी और गंभीर होती जाएगी, जिसको आप अगर बाईपास करते हो, नजरअंदाज कर देते हो, तो फिर आपके यूरिन का कलर या तो फिर थोड़ा सा रेडिश नजर आएगा, या तो फिर ब्लैकिश नजर आएगा, या तो कोला कलर का नजर आने लगेगा। कोला मतलब कोका कोला, थम्सअप जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, उसकी कलर का जाने लगेगा, क्योंकि अब आपके यूरिन में ब्लड के ड्रॉपलेट्स जाने लगे हैं और इसके कारण से वो कलर चेंज हो रहा है, और ये बहुत सीरियस कंडीशन में हो सकती है। ये सिम्टम्स मैंने जैसा कहा वो हमको कुछ और केसेस में भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। मैं बता दूं कौन सिम्टम, मैंने जैसा कहा कि आपको गर्मी के दिनों की अगर बात कर रहे हो, अगर ये सिचुएशन गर्मी के दिनों के रेस्पेक्ट में है, तो अगर आप पानी कम पीते हो तो भी यूरिन का कलर डार्किश जा सकता है, यूरिन में जलन हो सकता है, या और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे यूरिनेट करना है बट यूरिनेट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। ये तीन सिम्टम आपको गर्मी के कंडीशंस में डिहाइड्रेशन की वजह से भी देखने को मिल सकते हैं। तो वहां अगर ऐसा सिचुएशन दिख रहा है तो भी बाईपास ना करें, एक बार टेस्ट जरूर करा लें। तो ये मेन सिम्टम कौन से हैं जिसको हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, वह है बर्निंग सेंसेशन, बार बार यूरिन की फीलिंग आना बट यूरिन पास ना हो पाना, और ब्लड का ड्रॉप के फॉर्म में यूरिन के थ्रू जाना, वो आपको दिख जाएगा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। ये सिचुएशन है, और कभी कभी यूरिन के साथ पस भी निकल सकता है, अगर आप मेल हैं तो यूरेथ्रा के थ्रू पस भी निकलने के चांसेस हो सकते हैं, बट बहुत कम केसेस में। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है कि आपको यूटीआई है। अब इसका कंफर्मेशन कैसे करें ये भी याद रखिएगा, अगर ऐसे सिचुएशन आ रहे हैं तो सबसे जरूरी चीजों में से एक है कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन एंटीबायोटिक का ना करें, क्योंकि जनरली हम यही करते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है तो हम एंटीबायोटिक देख के पूछ के सुन के ले लेते हैं। अगर आपने एंटीबायोटिक लिया और अगर एंटीबायोटिक ब्लाइंडली लिया तो कुछ बैक्टीरिया को, क्योंकि इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं यूटीआई के, एक इकोली है, दूसरा साइमोनेला हो सकता है, तो वो एक स्ट्रेन को खत्म कर देगा बाकी को नहीं। और जब आप डायग्नोसिस करने जाओगे तो एग्जैक्ट रीजन हमको पकड़ में नहीं आ पाएगा कल्चर मीडिया में, तो आप पहले दवाइयां ना लें, डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी दवाइयां ना लें, यूरिन का सैंपल हमको देना पड़ेगा डायग्नोसिस प्रॉपरली कराने के लिए। फर्स्ट यूरिन और द मॉर्निंग आपको डॉक्टर को देना है, उसका कल्चर होगा। कल्चर मतलब समझते हैं क्या होता है, कल्चर मतलब होता है उसको उगाना। अब आप ये सोच रहे हो कि यूरिन में क्या उगाया जाए, जैसे हम एक खेत में धान उगाते हैं वैसे ही जो खेत है वो एक कल्चर मीडिया का काम करता है और धान फसल का काम करता है। अब यहां पे जो चीजें समझिएगा, मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं, जो हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जिससे बैक्टीरिया ग्रो कर सके वो कल्चर कहलाता है। अब उस कल्चर मीडिया में जिसमें सब कुछ रखा हुआ है जो कि बैक्टीरिया के लिए सही है, इसमें हम यूरिन के सैंपल को ट्रांसफर करते हैं। अगर और मगर दो केस होंगे, अगर मतलब अगर आपके यूरिन में बैक्टीरियल इंफेक्शन है डेफिनेटली, तो बैक्टीरिया तो होगा, तो बैक्टीरिया उस न्यूट्रिएंट को यूज करके ग्रो करने लगेगा, और ग्रो करने लगेगा तो हम माइक्रोस्कोप से देख के समझ सकते हैं कि हाँ भैया बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टेनिंग टेक्निक की मदद से, और उसके रेस्पेक्ट में हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका जो प्रॉब्लम है वो यूटीआई का ना हो करके गर्मी की वजह से या कुछ और वजह से होगा, तो उसमें बैक्टीरिया तो होगा नहीं, तो आप यूरिन का सैंपल डालोगे, बैक्टीरिया होगा नहीं तो सैंपल को
खाएगा कौन? सैंपल को जब खाएगा ही नहीं तो ग्रो करेगा ही नहीं, जब कोई है ही नहीं, तो वहां पे समझ में आ जाएगा कि बैक्टीरिया है नहीं। अब पहले केस पे वापस आइए। पहले केस ये कहता है कि अगर आपने ड्रॉपलेट डाला यूरिन के और उससे बैक्टीरिया ग्रोथ हुए, तो बैक्टीरिया कम स्टैनिंग टेक्निक्स अलग अलग होते हैं, उस टेक्निक ग्राम स्टैनिंग बेसिकली फॉलो किया जाएगा। इस टेक्निक की मदद से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी एग्जांपल के लिए कौन से टाइप का बैक्टीरिया है। अब कौन से टाइप का बैक्टीरिया है तो उस पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया के लिए कितने सारे एंटीबायोटिक में से कौन कौन सा एंटीबायोटिक सूटेबल है ये भी जरूर ध्यान दिया जाएगा, वरना आप ब्लाइंडली एंटीबायोटिक दोगे तो वो स्पेसिफिक नहीं ट्रीट कर पाएगा और रीअकरेंस रीलैप के होने के चांसेस ज्यादा है। भैया हमको पता तो हो कि इसको इससे इलाज कर सकते हैं, इससे इससे इलाज कर सकते हैं, आप अंदाजी दोगे तो खुलने वाला तो है नहीं। एक ताला है और 50 चाबी, तो आप एक ताले की चाबी के लिए 50 ताला ट्राई करोगे तो वो बेवकूफी ही है ना। आप एग्जैक्टली पहचानो कि ये चाबी है, यही चाबी है इसी ताले के लिए। वैसे ही है कि एक बैक्टीरिया इन्वॉल्वेबल है और 50 एंटीबायोटिक का ट्राई करते जाओगे, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड इंक्रीजिंग द सीवियरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम वहां पे हो जाएगा। इसीलिए एग्जैक्टली लिस्ट हमारे पास है कि ये बैक्टीरिया अगर है तो ये एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया है तो ये एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया है तो ये एंटीबायोटिक है, तो फट से वो स्पेसिफिकली काम करने लगेगा। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन हमको नहीं करनी चाहिए। ये हो गई बेसिक बात यूरिनरी इंफेक्शन की, जो मैंने आपको कहा वो बेसिक चीजें हैं, वो टू द पॉइंट है ताकि समझ सकें। अब आ जाते हैं कि इसको बचा कैसे जा सकता है। इससे बचना बहुत जरूरी है ट्रीटमेंट से ज्यादा अच्छा, इसलिए क्योंकि अगर आप इसको कुछ बेसिक चीजों को फॉलो करते हो तो इससे हम काफी हद तक बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, क्लीनिंग यूज प्रॉपरली करना चाहिए, सोप की जगह कुछ स्पेसिफिक लिक्विड्स आते हैं खास करके फीमेल जेनिटल पार्ट के लिए, इनका यूज आपको करना चाहिए। दूसरा अंडरगारमेंट क्लीनिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, डिटॉल वगैरह से आप सैनिटाइज कर लो उसको प्रॉपरली। तीसरा कोई भी अंडरगारमेंट बहुत ज्यादा टाइट ना हो ताकि वहां पर स्वेटिंग एक्यूमुलेशन हो सके। पीरियड के समय सैनिटरी पैड्स का ही यूज किया जाए और उसको अच्छे से डिस्पोज किया जाए। उसके बाद बेसिक चीज होती है वो है आपके फैमिली से डिस्कस करना कि ये चीजें हो रही है, ऐसा सिम्टम नजर आ रहा है, तो एज सून एज पॉसिबल आपको डायग्नोसिस कर लेना चाहिए, बिकॉज वी नो इट वेरी वेल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं। यहां पे यूरिन का सेंसेशन होने के बाद बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो जाता है, कारण है कि एसिडिक थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है हमारा यूरिन। ऐसे केस में आप क्या यूज कर सकते हो, आप हिंदी में इसको करौंदा बोलते हैं, करौंदा आपने कभी सुना होगा, उसकी चटनी भी कभी खाई होगी। तो अगर आपके आसपास वो सीजन है, वैसे तो हमेशा अवेलेबल होगा नहीं, बट जस्ट फॉर इन केस की अगर ये अवेलेबल है तो उसका करौंदा को आप अच्छे से यूज करो, खा लो उसको, या अगर करौंदा पका हुआ है तो भी आप उसको यूज कर सकते हो, दोनों केस में जैसा आपको सही लगे। उससे आपके चांसेस तो ठीक नहीं होंगे, यूटीआई ठीक नहीं होगा, मैं ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं उसके पेन के परसेप्शन जलन भरन को कम करने की सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूं। और हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे जो बैक्टीरियल है वो एसिडिक मीडियम में ज्यादा सर्वाइव करते हैं, तो एसिडिटी को अगर हम इस तरीके से जो करौंदा वगैरह के फ्रूट्स मैंने बताया उनको यूज करते हैं तो वो एसिडिक नेचर को आपके यूरिन को कम करेगा, जिससे बैक्टीरिया के सर्वाइव होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो रही है, बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहा, बैक्टीरिया को जो ग्रोथ माहौल चाहिए वो माहौल आप हटा दे रहे हो। मतलब समझो कि ऐसे मान लेते हैं कोई ऐसा पौधा है जो बहुत ठंड में ग्रो करता है, बहुत ज्यादा ठंडी होगी तो वो ग्रो करेगा, और अगर उसको ग्रो नहीं कराने जाता तो गर्मी बढ़ा दो। वैसे ही है कि जो बैक्टीरिया एसिडिक में ग्रो करेगा तो हम एसिडिक को बेसिक में चेंज कर दें तो ग्रो होने में उसको प्रॉब्लम जाएगा। तो ये थी बात आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। इसके ऊपर जो सिम्टम्स हैं उसके वीडियोस भी हमने अपलोड किए हुए हैं और डिटेल चैप्टर्स भी हमने अपलोड किए हैं, बट आज का वीडियो जनरल पब्लिक के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही थी और लोग इसके बारे में बात करना ज्यादा चाहते नहीं थे, लेकिन जानकारी लेना सबको चाहते थे। तो ये वीडियो आपके काम आएगा इसका मैं उम्मीद करता हूं, और ये वीडियो के थ्रू आप कुछ अवेयरनेस स्प्रेड कर सको वो भी मैं उम्मीद करता हूं। जाते जाते एक बात और कह दूं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग टैबू समझते हैं, हम बात करना सही नहीं समझते, जबकि ये टॉपिक ऐसे नहीं है। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे ही शरीर का एक हिस्सा है, इसके बारे में आपको ओपनली डिस्कस करना चाहिए, ताकि आप उस प्रॉब्लम को सीवियर कंडीशन में ट्रीट करना शुरू करने के बजाय इनिशियल लेवल पे ट्रीट कर दें तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी ही नहीं। सो वेयर देयर इज अ सॉल्यूशन देयर इज अ ट्रीटमेंट टू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।